जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पेट्रोल की गाड़ी लें या डीजल की गाड़ी लें, और हमारे क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिनके ऊपर अपन डिसीजन बनाएं। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषिकेश शर्मा और आपका स्वागत है टेक्निकल फ्रेंड्स के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम इजी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो आपकी लाइफ इजी करती है। और आज हम बात करने वाले हैं डीजल और पेट्रोल गाड़ी के बीच। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो डीजल गाड़ी काफी आपको महंगी मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ 10 लाख तक की रेंज में। तो 10 लाख तक की रेंज में अगर आप डिफरेंस देखें तो करीबन 80,000 से 1.5 लाख तक का डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप डीजल गाड़ी खरीद रहे हैं और जब तक आप फिर गाड़ी चला के मतलब बेचते हैं, उसमें आपको ये 1.5 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, इसको रिकवर करना पड़ता है। तो किस पॉइंट पे हम इसको रिकवर कर सकते हैं और कितना हमको चलानी पड़ेगी गाड़ी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, क्योंकि पेट्रोल इंजन आपको पता होगा काफी सस्ता पड़ता है इनिशियल फेज में, काफी रिफाइंड होता है 10 लाख तक की रेंज की अगर हम गाड़ियां देखते हैं, और काफी पावरफुल भी होता है इन कंपैरिजन टू डीजल गाड़ी के, जो भी हम डीजल गाड़ियां लेते हैं। और उसका पिकअप विकअप भी पेट्रोल का बहुत ही अच्छा रहता है। जहां बात पोल्यूशन रिलेटेड आती है तो पोल्यूशन भी पेट्रोल इंजन कम करता है, और अगर आपको पोल्यूशन रिलेटेड सर्टिफिकेट लेने वो भी आसानी से मिल जाते हैं। और अब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन की लाइफ की। देखिए अभी मतलब मैं आपको सही से नहीं बता सकता कि कोर्ट के अंदर अभी हियरिंग चल रही है कि क्या लाइफ होनी चाहिए, लेकिन अभी तक की लाइफ पेट्रोल इंजन की बताई जाती है 15 साल बड़ी सिटीज के अंदर, और डीजल इंजन की बताई जाती है 10 साल। तो अगर आप डीजल की गाड़ियां ले रहे हैं तो अगर जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो आपको रिकवर करना पड़ेगा उन 10 साल के अंदर ही। और जहां की बात करते हैं पार्ट्स की, तो पार्ट्स क्या है, पेट्रोल इंजन के काफी सस्ते मिलते हैं लेकिन डीजल इंजन के काफी महंगे मिलते हैं। और मेंटेनेंस क्या है, दोनों का करीबन बराबर ही रहता है लेकिन डीजल इंजन थोड़ा ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। तो इन पॉइंट्स को भी आप अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे मतलब करना पड़ सकता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती है। तो अब बात करते हैं कि आपको या मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1000 किलोमीटर। हम अगर दोनों पेट्रोल की गाड़ी और डीजल की गाड़ी 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो पर मंथ कितनी बचत होती है। तो मैंने एवरेज लिया है पेट्रोल की गाड़ी का 18 किलोमीटर पर लीटर जो उतना देती है, और डीजल की गाड़ी का लिया है 22 रुपए पर किलोमीटर। और आज की डेट में जो अभी मतलब प्राइस चल रही है पेट्रोल और डीजल की, पेट्रोल की 65 रुपए है और मतलब 65 के आसपास है, और डीजल की है 57 के आसपास। तो अगर पेट्रोल गाड़ी 1000 किलोमीटर हम चलाते हैं तो करीबन 55 लीटर के आसपास हमारा पेट्रोल लगता है पर मंथ, और हमारी करीबन कॉस्ट आती है 3600 रुपए। वहीं हम डीजल की गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो करीबन हमारा 45 लीटर के आसपास पेट्रोल लगता है और हमारा खर्चा आता है 2600 रुपए। तो पर मंथ आप बचा पाएंगे 1000 रुपए अगर आप डीजल की गाड़ी लेते हैं, और साल में आप मान के चलिए तो करीबन आप बचा लेंगे 10 से 12 हजार रुपए। लेकिन अगर आपको 1.5 लाख रिकवर करना है तो आपको इस स्पेस पे लग जाएंगे करीबन 15 साल। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि गाड़ी की मेंटेनेंस भी चाहिए होगी, पार्ट्स भी खराब होंगे, और ऊपर से पेट्रोल और डीजल की रेट कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अगर हम बात करें कुछ पुराने मंथ के अंदर सेल्स की, तो देखा जा रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी की सेल बढ़ी है और डीजल की कम हुई है, क्योंकि लोग काफी जागरूक हो गए हैं और वो गाड़ी देख के ही लेते हैं कि उनको कौन सी लेनी चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर के कम चलती है मंथ के अंदर तो आप पेट्रोल गाड़ी प्रेफर करें। अगर आपकी गाड़ी चलती है 1500 से 2000 या 1500 से 1800 तो पेट्रोल प्लस सीएनजी ले अगर आपके अवेलेबल है मेट्रो सिटी या जहां भी आप रहते हैं वहां अवेलेबल है, क्योंकि सीएनजी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो पॉल्यूशन नहीं करती और गवर्नमेंट भी इसको तवज्जो दे रही है और काफी बढ़ेगा वो आगे तक। अगर आपकी गाड़ी चलती ही मतलब हाईवे के ऊपर और आप 3-4 हजार के आसपास चलाते हैं गाड़ी, पक्का ही चल रही है, तभी आप डीजल गाड़ी को प्रेफरेंस दें, क्योंकि तभी आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो रिकवर कर पाएंगे, वरना वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपको गाड़ी एंड में महंगी पड़ जाएगी। तो ये चीजें थी जिसको आप अपने माइंड में पॉइंट्स की तरह सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, और गाड़ी लेने जाएं तो जरूर याद रखें। अगर आपका कोई सजेशन या फिर कुछ आप हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में करिए कमेंट, क्योंकि मैं जरूर कमेंट्स पढ़ता हूं और आपको जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।